Peritrophic membrane is permeable to all adjoints and protect midgut from rupture. Midgut from rupture. Now next system is respiratory system. Respiratory system of cockroach. Trachea is the respiratory organ. Trachea is the respiratory organ which is more advanced than that of earthworm, I mean annelids. Annelida से ज्यादा advanced respiratory system trachea को कहा जाता है, यानी tracheal system को कहा जाता है. Trachea is ectodermal in origin. And formed by invagination of an integument बाहर का जो इंटेगुमेंट होता है वो अंदर की तरफ धस करके ट्रैकिया का फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए इंटेगुमेंट एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, एक्टोडर्म से बना रहता है, इसलिए हम कहेंगे ट्रैकिया भी एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है. ट्रैकिया देखने में सिल्वरी व्हाइट होता है, चांदी के जैसा चमकता हुआ नजर आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिल्वरी व्हाइट या सिल्वर लाइट. So trachea is silvery white externally lined by single layered syncytial epithelium. Syncytial means multinucleated epithelium, and internally lined with cuticular rings called
इंटीमा और जिनिटिया, इंटीमा और जिनिटिया दैट प्रिवेंट कॉलेप्स ऑफ ट्रैकिया, दैट प्रिवेंट कॉलेप्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया को कॉलेप्स होने से, सिकुड़ने से बचा लेता है ये इंटीमा और टिनेटिया, जो अंदर से रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद रहते हैं। ट्रैकिया ओपन ऑन द लैटरल बॉडी सरफेस, लैटरल बॉडी सरफेस ऑफ कॉकरोच, थ्रू स्पाइकल्स। सो इंपॉर्टेंट, स्पाइकल ओपनिंग जो ट्रैकिया का होता है वो कॉकरोच के लैटरल बॉडी सरफेस पर खुला रहता है। अब ये स्पाइकल्स 10 पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ स्पाइकल्स आंसर इज 10 पेयर्स, 2 पेयर्स थोड़ा से, एंड 8 पेयर्स एब्डोमिनल। एब्डोमिन में 8 पेयर्स स्पाइकल होते हैं और थोरैक्स में 2 पेयर्स, और इसी स्पाइकल्स होकर के हवा अंदर की तरफ एंट्री लेता है। स्पाइकल इज लाइन बाय क्यूटिकुलर पेरिट्रीम से ये लाइन रहता है। हम लोगों के भी पास ट्रैकिया है। अब देखिए, ये जो हमारा नेक है इसमें आगे से हमारा ट्रैकिया है, और हमारे ट्रैकिया में भी रिंग्स होते हैं, लेकिन वो हालान कार्डिलेज का बना हुआ रिंग्स होता है, और इस हालान कार्डिलेज के रिंग्स का भी काम होता है इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या हम लोगों का ट्रैकिया कॉकरोच के ही ट्रैकिया के जैसा है? तो आंसर है कि हाँ, वहाँ भी रिंग्स है, यहाँ भी रिंग्स है। अंतर सिर्फ ये है कि हमारा जो हालान कार्डिलेज का बना हुआ ट्रैकियल रिंग्स है वो सी शेप्ड है, सी अक्षर के जैसा है, सी लेटर के जैसा है, लेकिन यहाँ पर ये 100% सर्कुलर होते हैं कॉकरोच में, जो क्यूटिकुलर होता है, और काम एक ही है। हमारे ट्रैकिया में रिंग्स हो या कॉकरोच के ट्रैकिया में रिंग्स हो, काम एक ही है कि ट्रैकिया को सिकुड़ने से, अंदर की तरफ सिकुड़ने से बचाना, यानी कोलैप्स होने से बचा लेना। तो आगे देख लें, आगे है देयर आर कितने ट्रैकियल ट्रंक्स होते हैं, देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ ट्रैकियल ट्रंक्स। Present
along the gained along the longitudinal axis of the body. Longitudinal axis of the body, they are interconnected together, by transverse branches. ट्रांसवर्स ब्रांच के द्वारा ये ट्रैकियल ट्रंक्स जो थ्री पेयर्स होते हैं बॉडी के लेंथ के अनुसार सजा हुआ रहता है, ये लंबाई में सजा हुआ रहता है और वो आपस में एक दूसरे से ट्रांसवर्स ब्रांच के द्वारा कनेक्टेड रहता है. ईच ट्रंक इज ट्रंक is divided into three branches. प्रत्येक ट्रंक तीन ब्रांच में बटा हुआ रहता है. एक है डॉर्सल, डॉर्सल ब्रांच goes to dorsal muscles. जो डॉर्सल मसल में संलय होता है. Middle branch goes to elementary canal. जो elementary canal में supply होता है. And ventral branch goes to nerve cord. ये nerve cord में जाता है. अब हम लोग diagram को देखेंगे. इसमें से ब्रांच भी निकला रहता है. ये एंट्रम है. एंट्रम में ये फिल्टरिंग ऑपरेटस है. ये वाल्व है और इसमें रिंग्स लगा हुआ है, ट्रैकियल रिंग्स, जिसको आप कहते हैं इंटीमा या क्लीडिया. ये है इंटीमा या क्लीडिया, यही इसको कॉलेप्स होने से बचाता है. बाहर का जो सरफेस है वो सिंगल लेयर सिंसाइडियल एपिडर्मिस का लाएगा. ये सिंगल लेयर सिंसाइडियल एपिडर्मिस जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ये सिंसाइडियल, इनसाइडियल मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है.
एपिथेलियम या कह सकते हैं एपिडर्मिस, ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग यहां पर स्पाइकल है और ये जो रिंग है इसको कहेंगे आप पेरिट्रीम, जो स्पाइकल को सिकुड़ने से बचाएगा। इसी स्पाइकल होकर के एयर एंट्री लेगा, यानी एयर इसी ओपनिंग होकर के अंदर जाएगा, जो एटमॉस्फेयर का एयर है एटमॉस्फेरिक एयर, इसी स्पाइकल होते हुए छनते हुए फिल्टर्ड होते हुए एंट्रम में अंदर के तरफ एंट्री लेगा। ट्रकिया में ब्रांचेज होते हैं जो हम आपको दिखला रहे हैं कि ब्रांच इसमें से कई निकले रहते हैं। इसको कहेंगे आप लोग ट्रैकियोल, ट्रैकियोलैक्स, क्यूटिकुलर रिंग, इसमें क्यूटिकुलर रिंग नहीं होता है ट्रैकियोल में। ट्रैकियोल इज ब्रांच ऑफ ट्रैकिया, अब ये अंदर से लाइट रहता है क्यूटिकल से ट्रैकिया, लेकिन ट्रैकियोल के अंदर कोई भी रिंग नहीं होता है। अब देखिए जो सेल है वो सेल इसको लाइट किए हुए है, ये है सेल ट्रैकियोल सेल। बहुत सारे सेल होंगे क्योंकि ये टिश्यू से बना हुआ है, इसमें फ्लूड होगा जिसको कहेंगे हम लोग टिश्यू फ्लूड, फ्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टिश्यू फ्लूड तब रहेगा जब ये कॉकरोच रेस्ट में रहेगा। टिश्यू फ्लूड इंडिकेट करता है कि कॉकरोच रेस्ट में है। सेल में न्यूक्लियस होगा जिसको हम लोग क्या निकला रहे हैं कि न्यूक्लियस है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, फिर से आपको बता दें ट्रैकियल ट्रंक जो होते हैं वो थ्री पेयर्स होते हैं और बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अनुसार अरेंज रहता है। एक ट्रंक को अगर देखा जाए तो उसमें से तीन ब्रांच निकलता है क्योंकि कॉकरोच की बॉडी का डॉर्सल साइड बीच का भाग और सबसे नीचे वेंट्रल साइड में वो सप्लाई होना चाहिए। तो जो एक ट्रंक गुजरा हुआ है उसका एक ब्रांच डॉर्सल साइड में, एक वेंट्रल साइड में और एक बीच वाले ब्रांच में सप्लाई होता है ताकि कॉकरोच के हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्राकिया एटमॉस्फेरिक एयर को डायरेक्ट टिश्यू तक पहुंचाता है। कॉकरोच का जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई आरबीसी या हीमोग्लोबिन नहीं होता है जिसके कारण वो गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। तो कॉकरोच के ब्लड के द्वारा गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसका नाम है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकिया डायरेक्टली हवा को पहुंचा देता है, सो ट्रैकिया कंडक्ट एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली टू ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू सेल्स of the body because blood of cockroach lacks RBC
एंड हीमोग्लोबिन ब्लड इज ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्स। ब्लड को यहां पर हम लोग हीमोलिम्स के नाम से जानते हैं। हीमोलिम्स डज नॉट टेक पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज, डज नॉट टेक पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कॉकरोच कैसे सांस लेता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कॉकरोच में जो इंस्पायरेशन है, हवा को अंदर लेना जो होता है इंस्पायरेशन, वो पैसिव होता है क्योंकि तो हवा डायरेक्ट अंदर एंट्री ले लेता है। स्पार्किल होकर के सारी हवा जो एटमॉस्फेयर में है वो लगभग कहिए कि कॉकरोच के बॉडी में एंट्री ले लेता है। इंस्पायरेशन पैसिव है और ये होता है थ्रू ऑल 10 पेयर्स ऑफ स्पार्किल्स, सारे के सारे 10 जोड़े जो स्पार्किल्स हैं ये गैस को अंदर ले जाता है। लेकिन एक्सपायरेशन के समय में एक्सपायरेशन ये एक्टिव हो जाता है और ये होते हैं थ्रू फर्स्ट थोरैसिक एंड फर्स्ट एब्डोमिनल स्पार्किल ऑनली। केवल पहला थोरैसिक और पहला एब्डोमिनल स्पार्किल होकर के एक्सपायरेशन होता है। इसका कारण है कि मैक्सिमम CO2 जो है वो क्रिटिकल होकर के ही बाहर हो जाता है। मैक्सिमम CO2, मैक्सिमम को हमने शॉर्ट में लिखा है मैक्सिमम CO2 क्रॉस क्यूटिकुलर लाइनिंग। ये क्यूटिकल ऑक्सीजन के लिए परमेबल नहीं है कि क्यूटिकल होकर के भी हवा अंदर आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो क्यूटिकल ऑक्सीजन के लिए परमेबल नहीं है लेकिन CO2 के लिए है, इसलिए बॉडी के अंदर में जो CO2 बनेगा वो आसानी से बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन का एंट्री नहीं होगा। अब इस इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में एक स्पेशल मसल है जो टर्गो और स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग टर्गो स्टर्नम मसल के नाम से जानते हैं, जो इसको ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो टर्गो स्टर्नम मसल, टर्गो स्टर्नम मसल, टर्गो स्टर्नम मसल टेक पार्ट इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब है कि कॉकरोच रेस्ट में है या कॉकरोच एक्टिव है। सो व्हेन कॉकरोच पैसिव, अगर कॉकरोच पैसिव है, बैठा हुआ है कहीं पर एक जगह पर रुका हुआ है, लो मेटाबॉलिक रेट, उस समय में मेटाबॉलिक रेट कम होगा, लेस ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड कम होगा, टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेटाबॉलिक स्लो है, इसलिए टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर के बॉडी पार्ट्स को अवेलेबल हो पाएगा।
ऑक्सीजन डिजॉल्व इन टिश्यू फ्लूइड बिकम अवेलेबल टू टिश्यू। लेकिन अगर कॉकरोच एक्टिव है, व्हेन कॉकरोच इज एक्टिव, अगर कॉकरोच एक्टिव है तब क्या होगा? एक्टिव में मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, हाई मेटाबॉलिक रेट, मोर ओटू डिमांड, ओटू का डिमांड बढ़ेगा, टिश्यू फ्लूड नहीं होंगे, टिश्यू फ्लूड इन ट्रैक्यूल इज एब्सेंट एंड टिश्यू रिसीव ड्राई एयर। और ड्राई एयर जो है वो टिश्यू को मिल जाता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि कॉकरोच में कैसे रिस्पायरेशन होता है ट्रैकिया के द्वारा। Now next, circulatory system of cockroach. Circulatory system of cockroach. Circulatory system of cockroach is open type or lacunate type. Open type or lacunate type. Blood. Blood called hemolymph. Blood called hemolymph. Hemolymph is colorless, no RBC and hemoglobin. Blood having sugar, free halos. Blood में free halos नाम का carbohydrate होता है and blood cells. Blood cells accept RBC. RBC नहीं होता है, बाकी WBC यहाँ पर मौजूद होते हैं जो सेलुलर डिफेंस देता है, बचाने का काम करता है पैथोजन से कॉकरोच को। ये ब्लड कहाँ प्रोजेक्ट रहेगा? तो आंसर है बॉडी कैविटी में, जिसको कहेंगे हीमोसेल। ब्लड इज प्रेजेंट इन हीमोसेल। हीमोसेल इज ब्लड फिल्ड कैविटी। ब्लड फिल्ड कैविटी एंड हीमोसेल इज डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर्स। डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर्स, तीन चैम्बर में बटा हुआ रहता है। फर्स्ट पेरिकार्डियल साइनस। इस पेरिकार्डियल साइनस में
हार्ट रहता है, सेकेंड इज पेरी विसरल साइनस, इसमें विसरास, विसरास मीन्स एलिमेंट्री कैनाल रहेंगे, थर्ड इज पेरी न्यूरल साइनस, और इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेगा, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड ये मालूम रहता है यहाँ पर। अब जो डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर्स लिखे हैं ये किसके द्वारा होता है, तो आंसर होता है बाय परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब छेद वाला डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व साम, डॉर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम, जो आपको डायग्राम में दिखलाएंगे हम कि डायफ्राम कैसे डॉर्सल और वेंट्रल होता है, जो बॉडी को आई मीन हिमोसिल को तीन चैम्बर में डिवाइड कर देता है।